वो सफेद कपड़ों वाले विधवा वैद्य जी कहाँ गए? बड़े काबिल है, यंत्र भी चला लेते हैं। ओ माय गॉड, मेरे भोले मिस्टर पहलवान, वो विधवा वैद्य जी नहीं है, यहाँ के डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म है वो, और यहाँ पे सारे डॉक्टर्स सफेद कपड़े ही पहनते हैं, और जिसे तुम यंत्र कह रहे हो वो एक्सरे मशीन है। लो आगे, उन्हीं से पूछ लो। मैं क्या पूछूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम पूछो ना फूल पकड़ी। डॉक्टर, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिकॉशन के लिए मैंने एक्सरे लिया था, मुझे देखना था कोई हड्डी टूटी तो नहीं है। बेटा, तुम्हारी कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। ये तो मुझे पता ही था, अगर हड्डी टूट जाती तो कुश्ती में कैसे जीतता मैं? मेरे गांव का सबसे बहादुर और शक्तिशाली लड़का हूं मैं। यू आर अ वेरी फनी एंड ब्रेव बॉय। बेटा ये एक्सरे देखो, इसमें तुम्हारी सब हड्डियां ठीक है, खाली थोड़ा सा स्प्रेन आ गया मसल में, देखो। फूल पकड़ी, ये कंकाल दिखा रहे हैं, मेरी चमड़ी बिना निकाले ये मेरी हड्डी कैसे देख सकते हैं? सफेद कपड़े में आदमी काला जादू करता है। तुम गलत समझ रहे हो बाजी। नहीं नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ, इससे अच्छे हमारे तो वैद्य जी है, वो तो शक्ल देख के बता देते हैं क्या बीमारी है। ये कंकाल की तस्वीर नहीं रखते वो। हो गया तुम दोनों का, मेरे और भी पेशेंट्स हैं बाहर, फिलहाल मुझे इन्हें एक पेन किलर का इंजेक्शन देना होगा और हाथ में बांधने के लिए एक स्लिंग, कुछ ही दिनों में इनका दर्द दूर हो जाना चाहिए। आओ बैठो। सुई, आपके पास सुई भी है? डॉक्टर रू, सुई तो होगी मेरे पास। बाय द वे, ये इतने सरप्राइज क्यों है? अभी तो आप सरप्राइज होने वाले हैं उसका नेक्स्ट सवाल सुन के। सुनिए, यहाँ